हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, आज ना छत पे जब गए थे, यहाँ पे देखिए मिर्च का जो प्लांट है ना, पहले थोड़ा सा अच्छा ये ग्रो कर रहा था, बट अभी टीन लगाए हैं ना तो धूप कम मिलता है, इसीलिए अच्छा खासा प्लांट भी नहीं ग्रो हो रहा है। और फिलहाल यहाँ पे बर्ड्स के यहाँ पे जो रूम है ना, यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे देखा थोड़ा सा गंदा हुआ था, और यहाँ पे ना पता है एक बहुत बड़ा सा चूहा घुस गया था, तो हंडी में जितना भी अंडा था सब खा लिया, सब बर्बाद कर लिया। अभी फ़िलहाल ना चूहा को भगा दिया है, और यहाँ पर ये हंडी में, एक दो हंडी में अभी अंडा दिया है बर्ड्स ने। तो इस रूम में बहुत ज़्यादा जैसे गंदा हो गया था रूम, तो यहाँ पे ये जो बर्ड्स का जो खाते हैं ना दाना, ये दाने का जो छिलका होता है, छिलके से ही गंदा हो जाता है ये रूम। तो आज इसको ही साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरीके से धो डालेंगे, और एक्चुअली हर दिन या एक दो दिन के बाद ये साफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, घर का काम, घर का और बाहर का, अगर दोनों काम करें ना तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे का काम, बहुत सारा काम होता है। तो इसीलिए मतलब एक दो दिन के अंदर नहीं होता, बट हफ्ते में कोशिश करते हैं कि ये साफ़ करें। तो अच्छी तरीके से झाड़ू वाड़ू लगा के इसको साफ़ कर देंगे और अच्छी तरीके से धो देंगे। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। पता है बहुत दिन पहले, मतलब मेरे हस्बैंड जब जिंदा थे उस टाइम, आप लोगों को शायद पता नहीं, लगभग 1.5 साल हो गया, तो उस टाइम पे मेरा बेटा जब पहले वाले स्कूल में पढ़ता था ना, तो उस टाइम पे जो स्कूल मैंने छुड़वाया था, क्योंकि बेटे के साथ एक हादसा हुआ था स्कूल में, सर ने उसको मारा था, और इसी बात को लेके थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज़्यादा मारा था कि उसको कान में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, आप लोगों को शायद पता है या नहीं। तो स्कूल तो बहुत बवाल हो गया था, स्कूल चेंज करवा दिया, और एक हादसे के बाद मतलब मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया, और फिर एक महीने के बाद उसका पापा चला गया। तो मतलब बच्चे के ऊपर कितना तूफान गुजरा है तो आप लोगों को तो पता चलता है। और फिलहाल यहाँ पर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया, और यहाँ पर 1 साल पढ़ाई किया, अच्छा ही चल रहा था। फिलहाल वही पता नहीं घूम फिर के, मतलब वही बात होता है कि रिटर्न सब कुछ आता है। तो फिलहाल एक नया सर ज्वाइन किया स्कूल में, और ये सर इतना ज़्यादा मतलब बच्चे के साथ ये करते हैं ना, क्या बताऊँ। तो पनिशमेंट तो देती है और हाथ भी उठाते हैं, बच्चे लोगों को डांटते हैं बहुत। तो ये मुझे ना, मेरे बेटे का कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, और अभी भी तबीयत सही नहीं हुआ। तो मैं देखती हूँ कि जब घर पर रहता है बेटा अच्छा रहता है, और जब स्कूल जाने के टाइम पे ना वो उल्टी करता है, उसका तबीयत बहुत बिगड़ जाता है। जब स्कूल से आता है तब सर में दर्द होता है, बहुत ही तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, तो बाद में जाके पता चला कि सर बहुत ही प्रेशर डालते हैं, पनिशमेंट करते हैं, मारते हैं, बहुत ही मतलब बच्चे लोगों के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और ये मतलब उसे भी मारा, उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया। तो इसीलिए ना एक डिप्रेशन के अंदर चला गया है बेटा, और तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जब स्कूल जाने के लिए जाते हैं ना, तब उल्टियाँ करके फिर स्कूल जाता है, फिर बहुत ही, और जब आते हैं तब सर दर्द, मतलब इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब, और फिर डॉक्टर को दिखाया, दवाई भी नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही थी, फिर जाके पता चला कि ये जो सर है ना, इसकी वजह से ही इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। तो गाइस, पोछा भी लगा लिया, ऊपर झाड़ू भी डाल दिया, और आ गई हूँ खाना बनाने। खाने में आज बन रहा है चिकन, और थोड़ा सा चावल बना लिया, और थोड़ा सा पालक की सब्ज़ी। तो गाइस, यही मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर लूँ, क्योंकि हर घर में बच्चे रहते हैं, और हम लोग तो स्कूल भेज के क्या घर में निश्चिंत भी नहीं रह सकते कि बच्चे लोग कैसे स्कूल में रहे। एक माँ और बाप कोई भी हो ना, हमेशा चिंता लगा रहता है, जो अपने बेटे से प्यार करते हैं ना, और लगभग दुनिया में ऐसा कोई माँ नहीं है कि अपने बेटे से प्यार नहीं करता, बेटा हो या बेटी हो, बच्चा कोई भी हो। तो स्कूल में कैसे रह रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होता। जब बच्चे लोग ना, बच्चे लोगों के साथ ये, मतलब अगर आप लोग साथ नहीं देंगे ना, मतलब बच्चे लोगों की बातें नहीं सुनेंगे ना, तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो मैंने जब पूछा सर से, सर बोल रहा है कि हाँ थोड़ा तो स्टिक
बातें ही करना ही चाहिए, थोड़ा तो स्टिक होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे को मार मार के उसको मतलब वो करो, भर्ता बनाओ। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और हमने तो बोला, और यहाँ पे देखिए फ़िलहाल आज चिकन बन रहा है, तो मैंने सोचा कि ये बातें ना मतलब घुमा फिरा के, जैसे एक स्कूल छोड़ा और दूसरे स्कूल में डाला तो वही बातें, तो चुप बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, मुंह खोलना पड़ेगा हर किसी को। कोई कोई लोग ना सोचते कि नहीं, डर डर के ज़िंदगी जिएंगे और बच्चे लोगों को मार खिलाएंगे, ऐसी ज़िंदगी जी मतलब डर डर के कुछ नहीं होता। बच्चे लोग ना धीरे धीरे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि क्या बताऊँ। तो इसीलिए ना मुँह खोलना पड़ता है। हाँ, हम लोग स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करवाने के लिए, मार खाने के लिए नहीं। और मार खा खा के ना बच्चे लोगों का मतलब ज़िंदगी भी ऐसा ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। और गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आज कोई अच्छा सा रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि आज थोड़ा सा मूड भी सही नहीं था, ये सब कुछ झेल के, और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था कि कोई कुछ शेयर करूँ। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय गाइज़।